जब से मिला तू साबुरे किस्मत सवर गई, जब से मिला तू साबुरे किस्मत सवर गई, ओ जब से मिला तू साबुरे किस्मत सवर गई। अब रोशन हो गई हो, जब से मिला तू साबुरे किस्मत सवर गई।
उसे मिला मुसावरे किस्मत सवर गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि, श्री हरि। आइए आज भागवत के पंचम दिवस, पांचवा दिन अर्थात भगवान शिव का है। आज के दिन चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने, हम सोचते हैं कि भागवत के मुख्य देवता श्री कृष्ण प्रभु हैं, तो फिर आखिर क्या कारण है कि सुखदेव जी महाराज ने पहले दिन ही भगवान का जन्म नहीं किया, चौथा दिन ही क्यों? तो उसका भी एक गूढ़ रहस्य है। जैसे अगर हमें कोई बता दे कि कल तुम्हारी मौत होने वाली है, आज जितना पुण्य करना है तो कर लो, तो हम ऐसे तो कभी पुण्य नहीं करते, पर अब कल मृत्यु आने वाली है तो मृत्यु से बचने के लिए हम पुण्य करना शुरू कर देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि आज से सातवें दिन इसकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के भय से यह कथा सुन रहा है। अगर मृत्यु का भय ना होता तो यह विलासी जीवन ही जीता। जय जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर भूप। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो बंदहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र जय। तो आइए हनुमान जी महाराज को सुवासन देते हुए, क्योंकि आज इंद्र वर्षा करेगा और हनुमान जी कौन है? पवन के देवता। अगर वह जोर की पवन चलाएंगे तो इंद्र जैसे क्या, जिसने बाल समय रवि भक्ष लियो, जिसने सूर्य नारायण जो तीनों लोकों में उजाला फैलाते हैं, उन सूर्य नारायण को जिसने बाल रूप में ही बॉल समझकर, गेंद समझकर, लड्डू समझकर खा गए, तो आज इंद्र के प्रभाव को भगाने के लिए पवन देव ही काफी है। श्री कृष्ण को हम क्यों इस प्रकार, तो मैं कथा में कह रहा था कि सुखदेव महाराज ने क्यों चौथे दिन भगवान का जन्म किया, उसका कारण यही है कि अभी इसे मृत्यु का भय है और यह जो कथा सुन रहा है केवल मृत्यु के भय से। जब तक इसके हृदय से भय अर्थात शोक ना बाहर हो जाए, सुखदेव कौन है? सुखदेव कथा का व्यास अर्थात सुखदेव कौन है जो श्रोता के हृदय में शोक जागृत कर दे कि मैंने अपना इतना कीमती जीवन केवल मोह माया में व्यक्त कर दिया, और ऐसे भाव अगर उत्पन्न हो जाए कि परमेश्वर की भक्ति करूंगा तो वही सुखदेव है। तो आज परीक्षित के हृदय में शोक उत्पन्न करने वाले की चार दिन तक कथा उन्होंने कही। पहले दिन उन्होंने बताया कि जिता श्वासो जिता आशनो जितेंद्रिया, अर्थात जब तक इंद्री को ना जीत लो तब तक कथा का फल नहीं मिल सकता। तो पहले दिन उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार इंद्री को जीते। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन घर में लगा है, तो क्यों ना इसे राजमहल छोड़कर हरिद्वार किनारे, गंगा किनारे एक पर्णकुटी बनाकर ले चलूं। तो पहले उन्होंने इंद्री को जितवाया,
इसके बाद फिर श्वास को जीते, कथा कहने वाला कौन अधिकारी है? कोई भी व्यक्ति, अच्छा विद्वान प्रोफेसर भी कथा कह सकता है, परंतु कथा का सच्चा अधिकारी कौन है? जिसने इंद्री को जीत लिया, अर्थात भूख प्यास को जिसने जीत लिया, वही कथा का अधिकारी है। तभी तो 18 पुराण लिखने वाले जो रचयिता हैं स्वयं वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने कहा कि मैंने अभी पुत्र मोह से अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया है, अतः मैं भी अधिकारी नहीं हूँ। नारद जी जैसे भी अधिकारी नहीं थे तो कौन है अधिकारी? तो बोले मेरा पुत्र सुखदेव जो जन्म से ही बैरागी है। तो यहाँ व्यासपीठ में बैठने वाला और श्रोता, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, अगर दोनों ज्ञान भाव से सुखदेव घड़ी न देखे कि मुझे कथा कारक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि मैं ऐसी कथा कहूं, मुझे घड़ी नहीं देखना कि 7 दिन खाया पिया और डेरा, मैं यहां आप लोगों में हृदय में शोक जागृत करने आया हूं, आपके जीवन का चरित्र भगवान का उतारने आया हूं। तो सुखदेव वही जो शोक उत्पन्न करे कि मैंने जीवन को ही व्यर्थ गवा दिया, और श्रोता आर्त होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित जब प्रश्न करते थे कि महाराज आगे क्या हुआ, राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज श्री कृष्ण प्रभु ने क्या किया, तो ऐसा प्रश्न जब श्रोता करता है तो कथा कहने वाले के मन में भी इच्छा होती है कि वास्तव में मेरा शिष्य जिज्ञासु है। तो पहले दिन जब तक कथा का व्यास तभी अधिकारी है जब तक वह अपने आसन को ना जीत ले, जितासनो। आजकल देखा जाता है कि लोग पांव लटका कर कथा कहते हैं, परंतु नहीं, जब तक आपने आसन को नहीं जीता है, आप पद्मासन में कथा ना कहें तो कथा का फल नहीं मिलता। क्योंकि जब हम पांव लटकाकर कथा कहते हैं तो हमारे पांव धरती की ओर होते हैं और धरती हमारी गुरु है, इसलिए कथा का फल नहीं मिलता। तो कथा का व्यास वही बने जिसमें आसन जीता हो। पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो हमारे दोनों तलुआ ऊपर की ओर होते हैं, और भक्त जब भगवान को प्रणाम करता है तो दंडवत होकर साष्टांग करता है, उस समय भी उसके पांव के दोनों तलुए ऊपर की ओर होते हैं, तो धरती माता का अपमान नहीं होता। तो पहला आसन जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए, भूख प्यास और कितने भी धन दौलत यहाँ चल रही हो उससे उसे कोई मतलब ना हो। तीसरा, जीता श्वासो, अर्थात जिसने श्वास को जीता है प्राणायाम के द्वारा। अब पहले हम सोचते थे कि ऋषि मुनि हजारों साल लाखों साल क्यों जीते थे, जब पांचों पांडव अपना शरीर त्यागने के लिए हिमालय पर्वत की ओर बद्रीनाथ धाम को जाते हैं तो उस समय सभी की इच्छा थी कि द्रौपदी सहित कि हम सभी शरीर सहित स्वर्ग जाएं, परंतु शरीर सहित कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो उस समय सभी अपने धाम की ओर, बद्रीनाथ धाम की ओर चले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। पांडवों के साथ आप भी स्वर्ग की ओर जाएंगे तो स्वर्ग क्या? स्वर्ग में तो जब तक पुण्य है, जैसे 5 स्टार होटल में जाते हो तो द्वार में ही आपके पास पैसा है तो एक सैल्यूट मारता है, आपने 100 रुपया दिया, फिर अंदर आपकी चापलूसी की जाती है। पर कब तक? जब तक आपकी जेब में पैसा है, और जिस दिन पैसा खत्म हुआ तो आपको होटल के द्वार में ही धक्का देकर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग में जब तक आपके पुण्य है, स्वर्ग भोग विलास की वस्तु है, तो स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाते हैं यानी जितना भोग लिया, तो आपको पुनः पृथ्वी लोक में आकर 4 पैर वाला जानवर बनना पड़ता है। तो देवताओं का जब पुण्य खत्म होता है, इंद्र का पुण्य खत्म हुआ तो वह धरती लोक में आए, धर्मराज से अपराध हुआ तो वह विदुर का जन्म पाए, उस समय स्वर्ग के राजा कौन बने? कभी सोचा है? जब विदुर जी को श्राप लगा, धर्मराज युधिष्ठिर को श्राप लगा, वह पृथ्वी लोक में आए, तो उस समय स्वर्ग में जो राजा थे वह यही राजा बलि थे जिन्होंने स्वयज्ञ किया और भगवान ने उन्हें स्वर्ग का राजा बनाया। उस समय वहां की सत्ता राजा बलि के हाथों में थी। तो इस प्रकार पांचों पांडव बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं,
सभी सोचते हैं कि हमने जीवन में बहुत पुण्य किया है, सभी को बड़ा अहंकार है और अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण है। पांचों बोलते हैं कि जब भगवान हमारे साथ जीवन भर रहे तो आज हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। तो स्वर्ग में जैसे होटल में पैसे खत्म हुए आपको बाहर कर दिया जाता है, वैसे स्वर्ग में भी जब तक आपके पुण्य है तब तक आप वहां है, और जिस दिन पुण्य खत्म हुए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा। मनुष्य कोई पाप करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है, और देवताओं का नरक है या मृत्यु लोक गर्भ में आना। तो देवता जो पाप करते हैं तो उन्हें पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। हमने कई कहानियों में सुना है कि श्राप बस नलकुबर नाम के कुबेर के जो पुत्र थे वह यमलार्जुन नाम के वृक्ष बने। तो पांचों पांडव ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, तो आइए आप भी श्रीमन नारायण कहते हुए, हम भी ऐसे तो नहीं जा सकते परंतु मन में ही नारायण है और भाई आपको अभी बद्रीनाथ धाम की ओर ले चलते हैं। तो चलिए जहाँ पांडव नहीं पहुंच पाए तो हम सभी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जग नारायण श्रीमन नारायण जग नारायण। देखिए भगवान के दरबार में ताली बजाने में शर्म आती है, और जब एक क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को मारता है और बाउंड्री के बाहर जाती तब जोर की ताली बजाते हो, और वह बैकुंठ धाम वाला जो खिलाड़ी वह जब आपको यहाँ से गेंद जैसे मारकर बैकुंठ में पहुंचाता है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता तो उसके लिए ताली नहीं बजती। तो उस श्री हरि के लिए ताली बजाइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण गोविंद बोलो राधा रमण हरि 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 गोविंद बोलो। तो पांचों पांडव और द्रौपदी साथ में चले जा रहे हैं और साथ में एक कुत्ता। देखिए जीवन भर जिसको पाले वो पुत्र साथ नहीं देता, पर कुत्ते को देखो कितनी स्वामी भक्ति की। एक रोटी अगर किसी कुत्ते को दे दो तो वह भी अपनी वफादारी करता है, परंतु जिसके पास बुद्धि नहीं है। कुत्ता शिवलिंग में जाके मूत्र करता है परंतु उसको दोष नहीं लगता, भगवान उसे सजा नहीं देते। कभी भी आपने देखा होगा कुत्ता जाकर शिवलिंग में ही मूत्र करेगा, परंतु भगवान कहते हैं तुझे तो ब्रह्म नहीं है परंतु मनुष्य करके दिखाए जरा, क्योंकि मनुष्य बुद्धि का प्राणी है, सरस्वती है, और सरस्वती में अहंकार होता है, उसका भाव गलत होता है, और कुत्ते को देखो उसमें अहंकार नहीं, वह तो बेचारा निर्मम भाव से करता है। तो भाव की कीमत है, अगर भाव से बचते हो तो उसका बेड़ा पार है। तो पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ वह कुत्ता भी वफादार जैसा चलता जाता है। चलते जाते हैं, सबसे पहले द्रौपदी का शरीर नष्ट हो जाता है, बर्फ में गिरकर समाप्त हो जाती है। पर उस समय द्रौपदी की आत्मा कहती है, श्री कृष्ण प्रभु को पुकारती है कि हे प्रभु मैंने तो जीवन में कोई अपराध नहीं किया, मैंने अपने व्रत का पालन किया, पतिव्रता थी, फिर भी मुझे क्यों शरीर से स्वर्ग जाने को नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि तुम भूल जाती हो परंतु मैं जीवन भर नहीं भूलता, जरा याद करो तुमसे कौन सा अपराध हुआ है। तो द्रौपदी कहती है कि प्रभु मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो भगवान कहते हैं यह तो प्रकृति का नियम है कि पाप करते समय व्यक्ति हंसता है, उसे पाप करते समय का याद नहीं आता, और जीवन में एक रुपए भी दान करता है तो जीवन भर बताता है कि मैंने फलाने मंदिर में दान किया हूँ, परंतु जीवन भर जो पाप करता है जीव जंतुओं को मारता है वह उसे याद नहीं होता। तुम कहती हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया परंतु तुमने एक पाप किया है जो छह प्रकार के लोग होते हैं उसमें जो कहलाता है भेद। तुम पांचों की पत्नी थी परंतु तुम अर्जुन को ज्यादा चाहती थी, तुम में भेद था इसी कारण से तुम्हारी मृत्यु हुई। तो एक भेद के कारण से आज द्रौपदी पर भगवान के धाम को नहीं पहुंच पा रही। फिर आगे की ओर पांडव लोग चलते जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।